और गुफा नंबर 13 में सिर्फ ये हाल बना हुआ है, बैठक व्यवस्था। ये गुफा देखते हैं कौन सी है और कितने नंबर की है। भाई 12 नंबर गुफा है ये, और अंदर चल के देखते हैं क्या व्यू है। जबरदस्त बनाया है भाई, 1, 2, 3 माले की गुफा बनाई है पत्थर को काट के। और ये इधर देखिए झरोखा भी है, इसमें अंदर भी शायद कुछ है, इधर भी और इधर भी। क्या बात है यार, एक ही चट्टान को काट के इतना कुछ बना है। आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये भाई कोई सोच भी नहीं सकता जो कलाकारी यहाँ पर है, और वो भी 3 माले की। पिलर भी देखिए कैसे बना है, करना अंदर जारी है, देखते हैं अंदर क्या है। वैसे लोग ज़्यादा आते नहीं है, बुद्ध भगवान बुद्ध का मुझे शायद ये, हाँ सही है सही है, भगवान बुद्ध की प्रतिमा है। तकिया और बेड पूरा, तीनों फ्लोर पे इस गुफा में 12 नंबर गुफा में पूरा बौद्ध धर्म को वो किया हुआ है। यहाँ पर भी देखिए भगवान बुद्ध की प्रतिमा है, और इधर भी देखिए इधर भी मूर्तियों को काफी तोड़ा गया है। बनाया कितना जबरदस्त है, लेकिन बस भाई इसको देख के जो है दिमाग घूमने लग जाएगा। अगर सोचना, बस एक सोचने वाला बंदा चाहिए कि इसको बनाया कैसे होगा। आज की इतनी टेक्नोलॉजी के बाद भी ऐसा कोई बनाने का सोच भी नहीं सकता। पानी निकालने के लिए देखो कैसा रास्ता बनाया है ये, और अभी टॉप पे मैं आ गया हूँ। ये देखिए ये देखिए, और यहाँ पर ये देखिए इसको पूरा पत्थर में कैसे काट के डिजाइन किया है भाई, पूरा एक ही पत्थर। ये देखो 11 नंबर गुफा, इधर से भी आया हूँ मैं, और ऊपर भी, ये भी 3 माले की बनी हुई, पूरा पत्थर को देखिए कैसे काटा हुआ है, कितना पत्थर को काम मेहनत से काटा है ऊपर जाने के लिए। ये देखिए 11 नंबर गुफा भी क्या जबरदस्त बनाई है भाई। ये देखिए 3rd फ्लोर, बहुत ही जबरदस्त। अभी आगे बढ़ते यार, एक एक कोना घूमेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। सीढ़ियाँ देखिए कैसे पत्थर को काटा हुआ है,
एक और गुफा पे पहुंच गए हैं। ये 10 नंबर, ये देखें 10 नंबर गुफा पहुंच गए। ये है भाई अजूबा, इसको देखो कितना बारीक नक्काशी की है और कैसे इसको काटा होगा। और सबसे सोचने वाली, दिमाग को हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि इसको कब बनाया, किसने बनाया, कोई आइडिया नहीं। और यहाँ का जो भी मलबा निकला, कितना सोचिए कि ये कितनी गुफाएं हैं, इसका मलबा कितना, लाखों टन यहाँ से जो पत्थर निकले वो एक भी पत्थर आपको यहाँ देखने के लिए नहीं मिलेगा। पता नहीं वो पत्थर कहाँ है। कुछ लोग कहते हैं कि ये सारी गुफाएं एलियन ने बनाई हैं, कोई कहते हैं कि किसी राजा ने बनाई है, पर जिसने भी बनाई होगी, मलबा तो जो निकला होगा ना भाई, तो मलबा कहाँ है। मलबा तो कहीं भी आपको देखने के लिए यहाँ नहीं मिलेगा। पता नहीं इसका सारा जो मलबा था वो कहाँ चला गया, कहीं और देश के किसी कोने में यहाँ से शिफ्ट किया, क्या हुआ पता नहीं, कोई भी नहीं जानता। इतनी बारीक डिज़ाइनें हम कंक्रीट से नहीं बना पाते, जो अभी आप देख रहे हो। ये पूरी जो पे पहाड़ है, एक पूरे पर्वत को काट के पूरा डिज़ाइन किया हुआ। ये देखिए पूरा पर्वत आपको दिख रहा है। पहले तो बड़े से पर्वत को इन्होंने चूज़ किया, उसके बाद में ये देखिए किस तरीके से इसको कटिंग किया और क्या ये ख़तरनाक रास्ते बनाए हैं। और बहुत से रास्ते तो बंद भी कर रखे कि पता नहीं वो कहाँ जाके निकलते हैं। वेंटिलेशन के देखिए कितनी बढ़िया व्यवस्था है वेंटिलेशन के लिए। और पूरी गुफा का व्यू देखिए, इतनी सारी गुफाएं घूमनी है अभी मेरे को, मैं तो अभी कुछ भी नहीं घुमाऊँ यार। और कितना अभी इतना पूरा घूमूंगा, पूरा दिन मेरा ख़त्म हो जाएगा। मैं तो सोचा था कि 1-2 घंटे में घूम के वापस हो जाऊंगा, लेकिन इधर तो भाई सुबह आओ तो शाम तक निकलने का कोई रूल ही नहीं है, क्योंकि इधर इतना कुछ है यार घूमने के लिए। एक एक जगह अगर घूमेंगे तो एक दिन भी कम पड़ जाएगा। अभी इस अंडरग्राउंड रास्ते से चल के देखते हैं अंदर क्या है। कहाँ कहाँ से क्या क्या रास्ते खतरनाक बने हुए भाई, कहाँ से निकल रहा है। दोस्तों वैसे मैं बता दूं कि मैं कर रहा हूँ साइकिल से 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम की यात्रा, और साथ ही साथ इंडिया और नेपाल के सारे प्रसिद्ध मंदिरों के दर्शन करते हुए मैं अभी एलोरा पहुंच गया हूँ, जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर के पास में है। और यहाँ से अभी मैं शेगांव होते हुए आगे मध्य प्रदेश के लिए निकलूँगा साइकिल से, और मेरा सफ़र ऐसे कंटिन्यू जारी है। मेरे सफ़र से जुड़ी कोई भी अपडेट आपको पानी है तो सब्सक्राइब करें मेरा यूट्यूब चैनल द हिंदुस्तानी ट्रैकर, इस पर मेरी यात्रा से जुड़ी सारी अपडेट आपको मिलेगी। कैसे मैं सर्वाइव करता हूँ, कहाँ मैं रुकता हूँ, पूरी जानकारी मिलेगी। और अभी इन एलोरा की सुंदर गुफाओं के आनंद ले रहा हूँ और आपको भी दिखा रहा हूँ एलोरा की ये गुफाएं। गुफा नंबर 1 पूरा हॉल बना हुआ है और अंदर छोटे छोटे कमरे भी हैं। और इधर देखिए पानी की व्यवस्था, जगह जगह ऐसे कुंड बने हुए हैं पानी के लिए। और यहाँ से देखिए पूरा व्यू ये दिखाई देता है। ये तो सिर्फ आधी है, अभी तो बहुत बाकी है यार। इस साइड में भी काफ़ी गुफाएं हैं, तो मैं अभी जा रहा हूँ घूमने के लिए और अकेला चल रहा हूँ। देखिए बाकी लोग काफ़ी आते हैं इधर, पर वो जो इलेक्ट्रिक गाड़ी है उससे आते हैं। मैं बोला क्या गाड़ी से जाना है यार, ऐसे भी जा सकते हैं। इतना तो 1 साल से साइकिल चला रहा हूँ, तो 1-2-4 किलोमीटर होगा, तो चलो इतना पैदल ही चल लेंगे यार। तो मैं अकेला पैदल चल रहा हूँ, आने वाले इलेक्ट्रिक गाड़ी वाले देख रहे हैं मेरे को कि ये कौन है जंगल में अकेला चल रहा है। और जंगल में चलने की आदत हो गई है। ये देखिए इस तरीके से इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आती है, इस तरीके से गाड़ी चल रही है इलेक्ट्रिक। पहुंच गया भाई मैं भी
गाड़ी वाले तो आके चले भी वापस जाने लगे। सेम वो मंदिर की तरह मंदिर बना हुआ है यार यहाँ पे, चल के देखते हैं। गुफा नंबर 34, ये 33, अंदर से देखते हैं कैसा है, पहले इसमें चलते हैं। 34, गुफा नंबर 34। वैसे टोटल यहाँ पर 105 गुफाएं हैं, लेकिन लोगों के लिए देखने के लिए खाली 34 गुफाएं चालू है बस, बाकी तो वो ऊपर पहाड़ों में बता रहे थे मुझे कि ऊपर भी है, तो उधर सब बंद कर रखा है कि उनका साफ़ सफाई नहीं करते, मेंटेनेंस नहीं होता है। तो ये देखिए गुफा, जाने के लिए रास्ता है, यहीं से चलते हैं। और यहाँ पर देखिए कितनी बारीक नक्काशी की हुई है। और एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको कि ये एक ही पत्थर से बना या नहीं, इसे आप प्रूव कर सकते हैं। ये देखिए, ये जो एक लेयर है, ये पत्थर यहाँ से तोड़ के बाहर लोग बेचते भी है। और ये लेयर देखिए पत्थर की, पूरी यहाँ से इस मंदिर में पूरा छत में से मूर्ति तक ये मिल जाएगी। तो इसका मतलब साफ जाहिर होता है कि ये पूरा एक ही चट्टान है जो ये मंदिर है। और कितना बड़ा और कितना भव्य बनाया है। और कह रहे यहाँ पर जो गार्ड बैठे, इनसे मैंने पूछा तो बता रहे थे कि यहाँ पर पहले जो राजा महाराजा के टाइम पे यहाँ पर सब सारे जो है आभूषण और सोना चांदी से इसको सजाया हुआ था, लेकिन अभी तो सब ख़त्म हो गया, लोगों ने यहाँ से निकाल लिया। कुछ लुटेरे जो विदेशी आक्रमणकारी थे वो लूट के ले गए। ये वाला पत्थर ये देखिए, वो वही लाइन जो है ये पत्थर यहाँ से पता नहीं तोड़ तोड़ के लोग बाहर भी बेच रहे हैं। क्या है ये, इसका लॉजिक तो मुझे भी नहीं पता। और मूर्तियाँ देखिए कितनी बारीकी से बनाई गई है। इधर कहाँ जाने का रास्ता है पता नहीं, चल के देखते हैं। अंधेरा लग रहा पूरा, ऊपर की ओर निकल गया यार। और ये पिलर देखिए कितने बड़े बड़े और कितने तगड़े पिलर है यार, ऐसा तो कंक्रीट का भी बना पाना मुश्किल है। वाह, ऊपर आके देखिए, नीचे तो जो था वो ठीक है, ऊपर देखिए इनमें कुछ छोटा छोटा कलर भी आपको दिख रहा होगा, जहाँ पर कहते हैं कि हीरे जवाहरात जड़े हुए थे। अभी तो यहाँ कुछ भी नहीं है, बस खाली ये खंडहर पड़ा हुआ है। सिक्योरिटी गार्ड बैठे रहते थोड़ी देख रेख के लिए, ताकि लोग किसी मूर्ति को डैमेज न करे कहीं, और लोगों की थोड़ी सेफ्टी के लिए भी, क्योंकि जंगल में पहाड़ी एरिया है और जानवर भी शायद रहते ही होंगे। जब इतनी बड़ी बड़ी गुफाएं है और जंगल एरिया है तो जानवर तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो रहता होगा। और ये देखिए पूरा भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं है। और इस मंदिर में क्या है, इधर भी भगवान बुद्ध की प्रतिमा। और ये देखिए यहाँ पर भी एक पूरा जो मंदिर का आकार है, इसको भी अंदर से देखते हैं, अभी दिखाता हूँ कैसा है। ये देखिए
और सबसे सोचने वाली बात यह है कि किस सभ्यता ने इसको बनाया होगा, और जिनने भी बनाया तो जाहिर सी बात है कि इतनी मेहनत ऐसे तो कोई नहीं करेगा, कि जरूर यहाँ कोई ना कोई तो रहता रहा होगा, कोई सभ्यता यहाँ पर पनपती रही होगी, लेकिन अचानक वो पता नहीं कहाँ चले गए, उसका किसी को कोई आइडिया नहीं, और ना इसका पता अब तक साइंटिस्ट लगा पाए, और ना ही इसका कहीं से कहीं किसी किताब में मिलता है कि ये किन लोगों ने इसको बनाया और यहाँ कौन रहता था। लेकिन जो भी सभ्यता थी ज़रूर बहुत ही हाईटेक टेक्नोलॉजी जो उनके पास थी, क्योंकि ऐसा बना पाना आज के युग में तो मुमकिन नहीं है। तो सोचिए इतने पुराने समय में कैसे और किन हथियारों और किन औजारों से इसको जो है इस तरीके का आकार दिया होगा, और कैसे इसको डिज़ाइन किया होगा, और जो भी सभ्यता रही होगी ज़रूर हमसे तो ज़्यादा ही उन्नत और हमसे तो ज़्यादा ही टेक्नोलॉजी में आगे रही होगी। क्योंकि ऐसा इस युग में देखिए जो आदमी नहीं सोच के ऊपर है, ये इसको अभी इस नाली को देखिए कितना ये टेक्नोलॉजी देखिए कहाँ से इसको पानी की निकासी दी हुई है, एक एक छोटी से छोटी चीज़ों का जो है बहुत बारीकी से ध्यान रखा गया है। और मैंने इससे पहले भी आपको एक दो कमरे भी दिखाए जिसमें पत्थर का ही बेड बना हुआ है, उस पर बकायदा तकिया बनी हुई है, और रहने के लिए कमरे, प्राइवेट रूम, हॉल, मीटिंग हॉल, काफ़ी कुछ यहाँ पर बना हुआ है। और ये छत देखिए कुछ कलर किया हुआ है, लेकिन अभी इसका कोई देख रेख कुछ हो नहीं रहा है, सारा कलर उड़ गया। ये प्रतिमा तो पता नहीं क्या है। यहाँ से नीचे जाने का रास्ता है, अभी हम भी चलते हैं नीचे। भाई देखिए कैसे उतर रहा है। और ये जगह जो है एलोरा, ये भारत के टूरिज्म सेक्टर में सर्वोत्तम नंबर पे इसको रखा गया है, सबसे ऊपर, क्योंकि यहाँ पर विदेशी सैलानी जो विदेशी पर्यटक आते हैं सबसे ज़्यादा तादाद में यहाँ आते हैं, और आपको 10 में से 5 सैलानी जो विज़िटर रहेंगे 10 में से 5 तो विदेशी मिलेंगे। और काफ़ी यहाँ पर रिसर्च होती रहती है, कुछ लोग रिसर्च के लिए आते हैं, कुछ लोग घूमने के लिए आते हैं, कुछ लोग छुट्टियाँ मनाने के लिए आते हैं, लेकिन जो भी यहाँ आता है वो बस इन गुफाओं को देख के भाई इन्हीं में खो जाता है कि क्या है ये और क्या टेक्नोलॉजी है। अब मुझे भी थोड़ी थोड़ी थकान होने लगी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं सुबह से घूम रहा हूँ इन गुफाओं में, और काफ़ी ज़्यादा ये गुफाएं है। इतना तो मैं कंटिन्यू साइकिल चलाने में नहीं थक रहा था यार जितना मैं आज थक गया। और ये मंदिर देखिए, सेम इसके पहले जो मैंने 16 नंबर गुफा दिखाई थी जो शिव मंदिर, सेम उसी के आकार का ये मंदिर बना हुआ है, और छोटा है लेकिन उससे वो तो भाई काफ़ी बड़ा मंदिर है। मेरे इससे पहले वाले वीडियो में वो मैंने मंदिर का पूरा व्यू आपको दिखाया है, अगर किसी ने नहीं देखा है तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है द हिंदुस्तानी ट्रैकर, उस पर सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। और ये देखें, इसी को भी सेम उसी डिज़ाइन का बनाया गया है, बस आकार थोड़ा सा छोटा है। तो चलो अभी थोड़ा और इसको विज़िट करते हैं, कितना बड़ा हाथी बना हुआ है देखिए, और सूर्य की किरणें कितनी प्यारी लग रही है इस मंदिर के ऊपर। ये है पूरा मंदिर का व्यू। तो इधर तो हो गया घूमना, और इधर देखिए 30 नंबर गुफा इधर ऊपर दिखा रहा है, इधर चल के देखते हैं थोड़ा क्या है। ये देखिए सामने जाने का रास्ता भी क्या गजब बना है, रास्ता तो नेचुरल लेकिन गुफा बनाई गई है काट के। पूरा सन्नाटा है भाई, उधर से सारे लोग निकल गए, इधर कोई आता ही नहीं। सेम डिजाइन इधर भी बना हुआ है मंदिर का, लगता है इसका काम आधा छोड़ दिया था उनने, बनाने वालों ने। देखिए इधर भी
ऐसा लग रहा है, सामने भी कुछ इस टाइप से ऐसा लग रहा है कि काम करते करते कुछ छोड़ दिया हो। मेरी आवाज़ ही मेरे को रिटर्न आ रही है, और वो भी इतनी लाउड आवाज़ आ रही है यार, ऐसा लग रहा है। मैं इतना धीरे धीरे बोल रहा हूँ फिर भी कितनी आवाज़ आ रही है। ये देखे, ये एक मूर्ति यहाँ पर बनी हुई, इसमें चारों ओर मूर्तियाँ बनी है। ऊपर जाने का भी रास्ता यहाँ से दिखाई दे रहा है, चल के देखते हैं क्या है। बंद है रास्ते तो, यहाँ से देखे कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही है गुफा है। अभी 29 आपको मैं दिखाता हूँ, फिर उसके बाद 16 दिखाएंगे, फिर 10 दिखाएंगे। रास्ते में मैं अकेला पैदल चल रहा था, और भाई साहब ने मुझे देखा तो बोले किधर जाओगे, तो मैं बोला 10 गुफा, बोले मैं भी उधर ही जा रहा हूँ, चलो बैठो। तो अभी भाई साहब के साथ जा रहा हूँ 10 गुफा की ओर। मेरे साथ जो लोग आए थे वो भी यहाँ आए थे घूमने के लिए, पर पता नहीं यहाँ आके उनका क्या मूड हुआ तो वापस चले गए। मैं उतर गया यहाँ पे, मैं बोला भाई आप लोग जाओ, मैं तो पूरा घूम के जाऊँगा, थोड़ी भूख भी लग रही है क्योंकि मैं सुबह खाना खा के मैं नहीं आया यार, कुछ खाया नहीं मैंने। मुझे लगा अभी तो आता हूँ यार, 1-2 या 4 लगेगा, मुझे तो पूरा दिन ही ख़त्म हो गया इधर। तो अब अंदर तो आ ही गए हैं, तो मैं सोचा चलो पूरा घूम ही लेते हैं, फिर बाहर जाके खाना खाएंगे यार। और ये हॉल देखिए कितना बड़ा बनाया है, आज के सारे बिल्डर फेल है भाई इनके सामने। तो देखिए उसी चट्टान के पिलर, उसी चट्टान का छत, और उसी छत जो एक ही चट्टान है उसी का जो है पूरा फ्लोर, और फिनिशिंग देखिए कितनी ज़बरदस्त है। सारे अभी के तो मिस्त्री सब फेल हो जाएंगे इसके सामने, सारे बिल्डर। इधर में क्या है यार, कुछ डाउन में कुछ दिख रहा है, पता नहीं क्या है, चल के देखेंगे अभी। इधर भी कुछ तो बना हुआ है, ऊपर से वेंटिलेशन के लिए भी देखे लोगों ने कितना जुगाड़ लगाया है, प्रॉपर जो खिड़कियाँ खिड़कियों के आकार के कुछ छोटे छोटे झरोके छोड़ रखे हैं। और ये मूर्तियाँ देखिए, यहाँ पर भोलेनाथ की शादी का जो पूरा व्यू है वो इस पूरे मंडप में दर्शाया गया है, और यहाँ पर बीच में देखिए भोलेनाथ लिंगाकार में विराजमान। तो अगर आप भी यहाँ आना चाहते हैं तो मैं तो यही कहूँगा कि आप पहले ही या तो यहाँ आने से पहले कुछ खाने की चीज़ें और पानी अपने पास में ज़रूर रख लें। यहाँ अंदर इस चीज़ की बहुत प्रॉब्लम है यार, इतना बड़ा साइड है, कम से कम यहाँ पर पानी की व्यवस्था तो होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर अंदर मुझे पानी भी नहीं मिल रहा है। बस वहाँ जहाँ टिकट मिलता है वहाँ पे है पानी की व्यवस्था बस, लेकिन होना चाहिए था क्योंकि काफ़ी बड़ा ये साइड है और टूरिस्ट यहाँ काफ़ी आते हैं, तो इसलिए पानी और कुछ खाने के आइटम तो होने चाहिए, क्योंकि पूरा दिन यहाँ पर लग जाता है, और बिना खाए यदि कोई आ गया जैसा कि मैं तो बहुत मुश्किल होती है फिर सर्वाइव करने में। वैसे मैं पानी का बॉटल तो मैं लेके आया था, लेकिन मुझे ये आइडिया नहीं था कि इतना बड़ा साइड है और इसको घूमने में मुझे पूरा दिन लग जाएगा। तो मैं सिर्फ कुछ नाश्ता किया था सुबह और मैं चला आया। और ये देखिए यहाँ से ये क्या गजब रास्ता बना है भाई, चल के देखते हैं आगे का व्यू यहाँ से।
अब यहाँ से निकलते हैं, थोड़ा नीचे की ओर चलेंगे और बढ़ते दूसरी जो गुफा बनी हुई है सामने, देखिए वहाँ अभी मुझे जाना है। और ये तालाब का व्यू कितना प्यारा लग रहा है, और सामने एक छोटा सा झरना भी है। बारिश के टाइम में उस झरने से इतना तेज पानी निकलता होगा कि कितना प्यारा वो व्यू लगता होगा यार बारिश के टाइम पे। अभी तो मैं काफ़ी विंटर के टाइम में मैं आ जाऊँ तब भी इतना पानी वहाँ चल रहा है। और यह गुफा है देखिए, यहाँ पर सारे देवी देवताओं की प्रतिमाएं बनी हुई है। और ये जो गुफाएं है इनमें ज़्यादातर गुफाएं हिंदू धर्म को समर्पित है, या तो बुद्ध धर्म को या तो जैन धर्म को। तो ये तीनों धर्मों के लिए यहाँ पर जो गुफाएं अलग अलग बनी हुई है। और ये गुफा को बाहर से देख के ऐसा लग रहा है कि ये हिंदू धर्म को समर्पित है। और इससे पहले जो मैंने आपको देखा था जो पूरी भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं थी, तो इस तरीके से ये कैटेगरी में भी यहाँ पर ये सारी गुफाएं बनी हुई है। और ये पूरा साइड जो है एलोरा के गुफाओं के नाम से प्रसिद्ध है। ये देखिए भगवान भोलेनाथ की यहाँ पर प्रतिमा है, शिवलिंग यहाँ पर बना हुआ है। और छत का हाल देखिए, कुछ काफ़ी पुराना ये है यार, देखिए कितना भव्य और कितना पुराना मंदिर है। अब मैं जा रहा हूँ दोस्तों वापस, क्योंकि बहुत जम की भूख लग रही है मेरे को। ना पानी मिलेगा इधर, ना खाना मिलेगा इधर। आने से पहले आपको बाहर ही टिकट लेके, आप एक बार अंदर आएगा तो बाहर जा नहीं सकते, तो बाहर ही अपना खाना वाना जो भी आपको कुछ लाना है खाने के लिए, या पानी बॉटल, इधर पानी बॉटल भी बहुत महंगा मिलता है अंदर में, तो बाहर से अपना बॉटल वगैरह कैरी करके लाइए, खाना वाना अपना खा के आइए। कुछ नाश्ता वगैरह के लिए कुछ लेके आइए साथ में बाहर से, क्योंकि अंदर कुछ नहीं मिलता है और पूरा दिन आपको लग जाएगा इधर घूमने में। तो दोस्तों ये थी पूरी एलोरा की गुफाएं, और अब मैं यहाँ से अपना सफ़र आगे बढ़ाता हूँ सेगांव के लिए। फिर मिलेंगे नए ब्लॉग में, जब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।